तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान एक बहुत ही डार्क सिचुएशन में है, डार्क एज से गुजर रहा है। हाँ, ये कभी भी इस आई बिलीव कोई श्रीलंका शायद इस तरह है अभी इस वक्त। श्रीलंका तो भुगत चुका है ना, भुगत चुका है। वी आर फार बिलो देन इथियोपिया राइट नाउ। ओह वाओ, इथियोपिया का जो करेंसी है ना वो हमारे 5 रुपए के बराबर है। मुझे लग रहा है जो हमारी करेंसी थी जिम्बाब्वे में डॉलर, हम कभी कभी अंडा लेते थे तो वो अंडे होते थे, अंडा लेते थे आप लोग लाइक अंडे जो होते थे वो हम लेते थे $6 million के। अच्छा। और फकीर को अगर आप दो तो 1 लाख आप दे रहे हो, और लिटरली नोट्स होती थी 1 million की। एंड मुझे लग रहा है पाकिस्तान उसी चीजों पर चल रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक फेज आया था जब कोई जूता लेने जाता था ना, वो इतनी बड़े करेंसी का जो है ना पूरी गठड़ी लेके जाता था, कहते एक जूता दे दो करेंसी ले लो। ये हालत थी। अफगानिस्तान का जो वहाँ की करेंसी है वो पाकिस्तान के 3.5 रुपए के बराबर हो गई है। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर हो गई है। ये हालत हो चुकी है। ओह गॉड, तो हम मतलब इतना पीछे जा चुके हैं और स्टिल वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू रेक्टिफाई द होल थिंग। आई मीन ये कब हम सोचेंगे, कब समझेंगे? और अभी तक जिन जिन को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जिनका जो काम नहीं बनता वो काम किया जा रहा है। वैसे यू आर प्रो पीटीआई? दिस इज नॉट बीइंग प्रो पीटीआई, आई एम प्रो राइट। प्रो राइट, इफ समथिंग इज राइट ईदर इट्स पीटीआई ईदर इट्स समथिंग एल्स। आई विल, क्या लगता है हुकूमत और हुक्मरानों में व्हाट इज द चेंज दैट दे नीड? क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे तो उन इलेक्शंस में कौन आएगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज ये है मतीरा, इलेक्शन आते भी हैं या नहीं आते, क्योंकि प्लान कुछ और है जो हमें नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि आम प्रो पाकिस्तान, और वो क्यों, उसकी रीजन बताता हूँ। लोग कहते हैं कि जी आप प्रो पीटीआई हैं या इमरान खान की सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, तो मैं बताता हूँ क्यों करता हूँ। आपके मुल्क में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं इंक्लूडिंग द डिक्टेटर्स, उन्होंने 75 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है। 40 years दीज पॉलिटिशियंस, इन पॉलिटिशियंस में से 3 बारियां ले चुके हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, टोटल दोनों भाइयों ने मिला के 10 बारियां ली हैं पंजाब में भी और फेडरेशन में भी। इसी तरह बेनजीर और जरदारी साहब ने भी तकरीबन कोई 8 बारियां ली हैं, बाकी भी मतलब मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत के अंदर होते हैं। तो इन सबको तो आपने जज कर लिया, परख लिया। एक बंदा था जो आया आपके पास जिसको आप ऑनेस्ट नॉन जेनेटिक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कहते हैं, जिनका कोई इनहेरिटेड बैकग्राउंड नहीं था, उनका खानदान पॉलिटिकल नहीं था, वो आए, वो एक नेशनल हीरो थे, उनको जगह मिल गई, मौका मिल गया। उनकी गवर्नमेंट के दौरान कोविड आया, इट वॉज द वर्स्ट पेंडेमिक एवर इन लास्ट 100 years। कोविड तो पूरी दुनिया के लिए बहुत हैवी था। तो उसके बावजूद उन्होंने इकोनॉमी को संभाला, पाकिस्तान का नाम फोर्ब्स में आया, बड़े बड़े मैगजीन्स में नंबर 1 हम कंसिडर किए गए, इवन इंडिया से हम ऊपर चले गए कि हमने अपनी इकोनॉमी को बचा लिया, लोगों को बचा लिया। उस बंदे ने 3.5 साल गवर्नेंस की, आखिर में आकर उनका पाकिस्तान का जो ग्रोथ थी वो बेहतर थी, 6 तक चली गई थी। तो आप क्या तजर्बा करेंगे, आप 10-12 साल एक बंदे को कर लेने दें यार, मसला क्या है? किसी भी बंदे को, चले नवाज शरीफ को भी दें, नवाज शरीफ को भी दें, नवाज शरीफ को भी दें, 10 साल कर लेने दें ना। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पिछले 75 साल में हमें एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं मिला जो अपनी टर्म पूरी कर सके। ओके, That's absolutely right. इसलिए हम लेंगे एक खड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम सब बैठे हुए होंगे। अच्छा, ये वाला ब्रेक खड़े होके लेना पड़ेगा? नहीं, आप बैठे रहो, आप मौके क्यों ढूंढ रहे खड़े होने का। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा, खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।